Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. Hello students, आज का टॉपिक क्या है? ओपन एंड क्लोज कैस्ट्रेशन. मींस ओपन कैस्ट्रेशन कैसे होगी और क्लोज कैस्ट्रेशन कैसे होगी. तो सबसे पहले हम ओपन कैस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. ड्यूरिंग ओपन कैस्ट्रेशन वन इंसिजन इज मेड ओवर ईच टेस्टिकल्स बट रेदर देन बींग क्लोज्ड विथ सूचर्स दे आर लेफ्ट ओपन सो दैट दे कैन ड्रेन एंड हील फ्रीली. ओपन कैस्ट्रेशन में क्या किया जाता है कि जो दोनों के दोनों टेस्टिकल्स होती हैं उनके ऊपर स्पर्मेटिक कोड्स होती हैं उनकी, उनके अंदर क्या किया जाएगा, इंसिजन किया जाएगा, कट किया जाता है. और कट करने के बाद उसको बांधा नहीं जाता है, दे आर लेफ्ट ओपन, उनको ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है सो दैट दे कैन ड्रेन एंड हील फ्रीली, वो खुद ही ठीक हो जाती हैं. फिर इंसिजन करने के बाद उनको किसी भी सूचर की हेल्प से बांधने की बजाय, क्लोज करने की बजाय उनको खुला छोड़ दिया जाता है सो दैट दे कैन ड्रेन एंड हील फ्रीली. अब देखो क्लोज कैस्ट्रेशन में क्या होता है. इन क्लोज कैस्ट्रेशन वेजाइनल ट्यूनिक्स आर नॉट एंटर्ड सो लिगेचर आर प्लेस्ड डायरेक्टली अराउंड स्पर्मेटिक कोड एंड कंटेन स्ट्रक्चर्स देयर बाय रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड वेजाइनल ट्यूनिक्स. ओपन कैस्ट्रेशन में क्या किया था, हमने इंसिजन किया था और उसको खुला छोड़ दिया था. लेकिन क्लोज कैस्ट्रेशन में क्या होगा, कोई भी इंसिजन नहीं किया जाता है. ओपन कैस्ट्रेशन में हमने इंसिजन करने के बाद उसको खुला छोड़ दिया था जिससे कि क्या होगा, ब्लड लॉस होने के भी चांसेस ज़्यादा है. लेकिन क्लोज कैस्ट्रेशन में भी ब्लड लॉस के चांसेस कम हैं. तो इसमें हम ना तो इंसिजन करेंगे, सीधा लिगेचर की हेल्प से डायरेक्टली जो स्पर्मेटिक कोड है उनको कट कर देंगे. लिगेचर्स आर प्लेस्ड डायरेक्टली अराउंड द स्पर्मेटिक कोड जिससे क्या होगा, जो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है वो भी रिड्यूस हो जाएगा. क्लोज्ड कैस्ट्रेशंस मस्ट बी परफॉर्म अंडर स्टीराइल कंडीशन. जो क्लोज कैस्ट्रेशन होगी वो कहाँ पे, स्टीराइल कंडीशंस के अंदर की जाएंगी. और एट योर इक्वाइन वेटेरियन सर्जरी एंड अंडर ए जनरल एनेस्थेटिक. क्लोज्ड कैस्ट्रेशन के लिए हमें जनरली एनेस्थेटिक की भी ज़रूरत होगी और जो वेटेरियन की भी ज़रूरत होगी. अब देखो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लोज कैस्ट्रेशन एंड एन ओपन कैस्ट्रेशन. ओपन और क्लोज कैस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है. तो ओपन कैस्ट्रेशन में क्या होता है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इज इनसाइड इनसाइज्ड एंड इंसीजन करने के बाद क्या कर देंगे, उसको लेफ्ट ओपन कर देंगे और उसके अंदर ब्लड का लॉस ज़्यादा होगा. क्लोज कैस्ट्रेशन में इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इज नॉट इनसाइज. जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया उसको इनसाइज नहीं करेंगे जिससे कि ब्लड लॉस नहीं होगा. आइडियल एज ऑफ कैस्ट्रेशन, कैस्ट्रेशन की आइडियल एज क्या होती है. तो जो मेल काफ होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिंग या फिर कैस्ट्रेशन की जो एज होती है वो बियॉन्ड 6 months ऑफ एज होती है. लेकिन फीमेल में स्पेइंग की जो एज होती है वो बियॉन्ड 2 years ऑफ एज होती है. अगर हम फीमेल को 1 साल या उससे पहले भी स्पे कर देते हैं तो उससे जो कैंसर के चांसेस है उसके अंदर बढ़ जाते हैं. इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर फॉर फीमेल स्पेड एट ए ईयर ऑफ एज. आई थिंक मैंने आज की वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.